बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत ही आप लोगों के मीडिया पर्सन का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है, तो इसके रिलेटेड आज हमारे एलमी पब्लिक स्कूल कुरपथन कारगिल ने एक बेदरी कैंप यानी अवेयरनेस कैंप लोगों को अवेयर करने के लिए निकाला है कि ताकि सफाई का मकसद, सफाई का इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसको हम लोगों में अवेयरनेस करने के लिए ये रैली जो है आज हमारे स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी मुनक्किद करने जा रहा है। तो इससे लोगों में एक तो बेदर आ जाएंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे जब अपने माँ बहनों को, अपने माओं को, हमारे जितने भी एल्डर्स हैं इनको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने माहौल को कितना साफ रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो सर, अभी आप स्लोगन भी यही सुन रहे हैं कि यहाँ पे आप पेड़ लगाओ, आप धरती को बचाओ, मीन्स यही है कि आप हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की इस दौर में ग्लोबल वार्मिंग में कि आप जैसे कि हम पूरा ओवरऑल ग्लोबल वॉर्ल्ड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल पानी की बहुत ही क्राइसिस हो रहा है। खासकर मैं जिसे कारगिल का बात करूँ तो बिलखसूस मैं इस इलाके में जहाँ इस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, अगर इसके मैं आपको ब्रीफ थोड़ा बता दूँ तो यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। तो लोगों को पानी को बचाने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि ग्लेशियर्स को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो लगभग ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो चुका है। तो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए ये अलार्मिंग रेट पे है कि आप हमें पानी का भी बिल्कुल क्राइसिस हो जाएगा। मुझे लगता है कि सुनने में भी आता है, हमें बहुत सारे फिलोसफर कहते हैं कि आप अगर अगला जंग होगा तो पानी पे ही होगा। तो इन ग्लेशियर्स को बचाने के लिए हम सारे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इनके आसपास हमें गंदगी नहीं करना है, इनको हमें प्रिजर्व रखने की ज़रूरत है। मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।